अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 से स्टार्ट लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आयनाइजेशन एनर्जी। लास्ट टाइम हम लोगों ने शेनिक इफेक्ट के ऊपर बात की थी। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आयनाइजेशन होती है। आयंस का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पेशी जिसके ऊपर दोनों चार्जेस हों, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयन। अब आयन हम लोगों ने भी बात की, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। अब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि आयन कितने किस्म के होते हैं, कैटाइन और एनायन। यानी कि पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं? कैटाइन। और नेगेटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एनायन। कैटाइन क्या होता है? जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को ईजिली, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैटाइन। और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनायन। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि आयन क्या होते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ऐसी एनर्जी जो फॉर्मेशन ऑफ आयंस को, यानी कि आयंस की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। यानी डेफिनेशन क्या होगी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब अभी मैंने बात की कि ऐसी एनर्जी जो आयंस के को बनाने के लिए जरूरी होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे हम लोग जिस आयन के ऊपर बात करेंगे वो होगा कैटाइन। यानी कि हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बात करनी है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना। तो यहाँ पे मैंने अपने एक एटम की एग्जांपल लिए, सोडियम एटम की। आप लोग बुक के ऊपर भी उन्होंने ये दिया हुआ है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। अभी हम लोगों ने लास्ट अपने टॉपिक में बात की थी, शेनिक इफेक्ट में भी सोडियम की एग्जाम्पल दी थी। तो मैं यहाँ पे ये देखती हूँ कि इसमें हमारे पास ये देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यानी मैंने ये शेल्स बना ली, इनर शेल भी और वैलेंस शेल भी। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस टाइम हमारे पास ये क्या है? न्यूट्रल है। यानी कि सोडियम इस टाइम क्या है? अपनी न्यूट्रल हालत में मौजूद है। ये मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को इजी नजर आ जाए। तो हम लोग ये देखते हैं सोडियम इस टाइम न्यूट्रल है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग ये देखते हैं, ये मैं ले लूँ ये रिएक्शन, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन करवाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर हुई, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब आप लोग ये देखें कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो गया, तो इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? यहाँ पे खत्म हो गया। इस टाइम इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हैं? 10। पहले कितने थे हमारे पास? 11। वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? क्योंकि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? यहाँ पे लूज करवा दिया। तो इस कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर हुई, आप लोगों की बुक पे उन्होंने मेंशन की हुई है, डेल्टा एच इज इक्वल टू 496 किलो जौल पर मोल। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें 496 किलो जौल पर मोल एनर्जी रिक्वायर है। तो इस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो ये हमारे पास अभी इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। अब जरूरी नहीं कि ये एक ही आयनाइजेशन एनर्जी होती है। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी होती है, सेकंड भी होती है और थर्ड भी होती है। लेकिन ये आप लोगों ने वहां पे देखना है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जिसमें दो को लूज करवाना होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे हम लोग ये देखते हैं मैग्नीशियम में कितने होते हैं? Mg2+। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज करवाने पड़ेंगे? 2। अगर मैं थर्ड केस में बात करूं तो उसे हमारे पास एग्जांपल आती है एल्यूमिनियम की, Al3+। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करवा सकते हैं। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंड और फिर फर्स्ट। अभी देखें, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी, फिर दूसरे को रिलीज करवाने के लिए उससे ज्यादा, तीसरे को रिलीज करवाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर जाके तीसरा इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया इसके डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग आगे अपने ट्रेंड के ऊपर बात करते हैं कि ट्रेंड क्या होगा पीरियड में और ग्रुप में। तो पीरियड में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब ये देखें, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो ये हमें बट डेफिनेटली सी बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज ही होंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकालने के लिए। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ग्रुप नंबर 1 से लिया हुआ एक एलिमेंट और पीरियड नंबर 2 से। ग्रुप नंबर 1 का एक एलिमेंट है और एक मैंने ले लिया ग्रुप नंबर 7 का। यानी इस दफा हम लोगों ने चेंज कर लिया। 7 में हमारे पास क्या होने, हम लोग कहते हैं हैलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो मैंने यहां से लिया लिथियम और यहां से ले लिया फ्लोरीन। अब ये है पीरियड नंबर
टू से, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ शेल्स इनमें क्या होंगे, सेम होंगे, दो दो शेल्स ही होंगे। अब ये हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी या यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब इसमें अगर आप लोग देखें तो क्या इसका एटॉमिक नंबर होता है जी इज इक्वल टू 3 और इसका होता है हमारे पास जी इज इक्वल टू 9। अब 3 का मतलब ये है कि इसमें तीन ही पॉजिटिव चार्ज हैं और तीन ही नेगेटिव चार्ज हैं, और यहाँ पे 9 का मतलब क्या है जी, 9 ही पॉजिटिव चार्ज हैं और 9 ही नेगेटिव चार्ज हैं। अब आप लोग ये देखें किन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इनमें या इनमें। अब हम लोग ये देखें यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 नेगेटिव, उनके दरमियान बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे देखें पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये कितने हैं हमारे पास 9 है, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू 3, यानी उनमें 9 के दरमियान होगी और यहाँ कितने दरमियान होगी 3। तो हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे अट्रैक्शन क्या होगी ज्यादा, और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी ज्यादा। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी शील्डिंग इफेक्ट में कि जितनी अट्रैक्शन हमारे पास क्या होगी ज्यादा होगी ना शेल में, उतनी शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा उसके लिहाज से चेंज होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा कम। तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जिसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हम लोग ये देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है ज्यादा होगी। अब मैं अगर ग्रुप की तरफ आ जाऊँ तो हम लोग देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या होती है कम। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है ग्रुप नंबर 1 से, लेकिन हम लोग ये ले लेते हैं पीरियड नंबर 2 से, और एक मैंने ले लिया जी 5 से। तो हम लोग ये देखेंगे ये, अब मैंने नाम में थोड़ी चेंज कर दिया, एम और एन हम लोग नाम रख लेते हैं। तो अब आप लोगों को नजर आ रहा है पीरियड नंबर 2 से है, तो इसका मतलब क्या होगा इसमें कितने शेल्स होंगे 2, और जो पीरियड नंबर 5 है उसमें कितने शेल्स होंगे 5। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स क्या है ज्यादा, जितने शेल ज्यादा होते जाएंगे, अभी हम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट में पाक की, जितने शेल ज्यादा होते जाएंगे उतना ही वैलेंस शेल पे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और इनर शेल पे उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है किस पे, वैलेंस शेल पे, और यहाँ पे क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया किसके ऊपर, वैलेंस शेल पे, और इनर शेल पे क्या है वो ज्यादा। तो ये देखिए नंबर ऑफ शेल्स मोर, इनर शेल मोर, अट्रैक्शन मोर ऑन इनर शेल, लेस अट्रैक्शन ऑन वैलेंस शेल, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आप लोगों के पास फ्रेंड समझ आ गया, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल ने एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज। यहाँ पे हमारे पास क्या हिसाब हो रहा है कि मैंने दो डिफरेंट ग्रुप से एग्जाम्पल ली, एक मैंने सेकंड से ले ली और एक मैंने फिफ्थ से ले ली। तो नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होंगे उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और इनर शेल पर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी एज कम्पेयर टू वैलेंस शेल, तो उतनी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम होगी। तो ये आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी का आज टॉपिक इस तरह कंप्लीट होता है। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस चैप्टर को रीड आउट करना है। अब हमारे इसके बाद सिर्फ दो टॉपिक रह गए, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसका टेस्ट लेंगे। तब तक आप लोग इसको देखें। अल्लाह हाफिज़।